सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो आज एक अच्छा चीज़ हुआ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट मैं अपना पीसी ऑन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ हिंट। आज क्या हुआ ना, मुझे लगा कि मैंने व्लॉग बना लिया है, फिर उसके बाद ना अभी जब मैं अचानक से खाना खाते खाते याद आया ना मुझे, तो फिर मैं देख रहा हूँ मैंने तो व्लॉग बनाया ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने व्लॉग बना के अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। तो फिर अभी देखा ना मैं, तो मैं बोला अरे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अभी अपन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो जो कि मेरा जो प्लान था आखिरकार सक्सेस हुआ वो, और अपना जो सोचा था मैंने वैसे ही हुआ, अभी वैसे ही होगा। बस मेरा स्क्रीन ऑन हो जाए, पीछे ऑन हो रहा है स्क्रीन अभी, नो सिग्नल। आ जा रहे भाई, कितना टाइम लगाएगा। आगे तो आगे स्क्रीन अपनी, तो गाइस अपना मतलब जो यूट्यूब का जो सैलरी आने का, जब मेरा फर्स्ट इनकम जो मेरा सबसे ओल्ड सब्सक्राइबर होगा ना, उसको मालूम होगा कि मैंने क्या बोला था। सबसे जो मेरा पहला यूट्यूब के थ्रू इनकम आएगा, सुपर चैट पेटीएम वेटीएम के थ्रू नहीं, स्पॉन्सर वगैरह के थ्रू नहीं, मैंने बोला जो मेरा यूट्यूब के थ्रू इनकम आएगा मैं उसको डोनेट करूँगा या फिर चैरिटी के काम में कुछ लूँगा मैं। तो आज मेरा कल हो गया था शायद, मैं अभी तक देखा हूँ नहीं कि कितना हुआ है। $100 कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं आपको दिखा एक बार, आप ही के साथ साथ मैं अभी चेक कर लेता हूँ। आई थिंक हो गया होगा मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो चलो आपके सामने अपना यूट्यूब स्टूडियो ऑन करते हैं, कैमरा फ्लिप करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपना यूट्यूब यूट्यूब ऑन करते हैं, और यहाँ से जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो, और कहाँ गया अपना तो ये अपना आ गया यूट्यूब इनकम, दो स्पाइक बने थे यहाँ पे। अरे यार, तो बस यहाँ पे हो गया हमारा $100.20। तो अब हम लोग, अब मैं इस पैसों का क्या करने वाला हूँ आपको पूरा प्लान बता रहा हूँ। तो गैस मेरा जो प्लान है कि इस जो पैसा है 100.20 सेंट्स, $100.20, तो इससे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हमारे यहाँ का जो भंडारा कराने वाला हूँ, पहले तो बता दे रहा हूँ कि मैं एक भंडारा कराने वाला हूँ इसमें, जिसमें मेरे को मेरा टारगेट रहेगा अप्रोक्स 900 से 1000 लोग को खिलाना और पिलाना, रस मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पिलाना। तो अब वो सॉफ्ट ड्रिंक अपने को वहीं पे बनाएंगे अपन, और या तो रेडीमेड होगा, देखा जाएगा। वो मोस्टली अपने को ये ज़्यादा चांसेस है कि अपन वहाँ पे बनाएंगे उसको, जैसे कि शरबत वरबत। तो मेरा अभी कैसा प्लान है कि लोकेशन वोकेशन सब बता दे रहा हूँ मैं, कि ये जो मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा अभी मैं पे आउट मारूंगा इसे, और उसके बाद ये जो जितना पैसा है ये पूरा आएगा अभी मेरे अकाउंट में। फिर उस पैसे को मैं कैश करूँगा, पहले कैश विड्रॉल मैंने सारे जगह से बात करके रख लिया है कि अपने को कुक, क्योंकि बड़ा मतलब अपन बड़ी वॉल्यूम में बनाएंगे खाना, तो वो चीज़ मम्मी नहीं कर सकती, तो उसके लिए बड़ा कुक लगता है, उनको एक्सपीरियंस होता है और क्वालिटी अच्छा रखना है अपने को। तो पहले मैंने क्या सोचा था कि मैं खिचड़ी नहीं बटवाऊँगा, मैं सिर्फ शरबत बटवाऊँगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। मंगलवार को जो सेक्टर 9 का हमारा हनुमान मंदिर है, वहाँ पे भाई ताबड़ तोड़ भीड़ रहती है, 15-20 हज़ार लोग, 15-20 हज़ार लोग नहीं, 15-20 हज़ार फैमिली आती है वहाँ पे, अगर सुबह से देखा जाए तो। सुबह के 7 बजे से लाइन लगना चालू हो जाती है, रात के 9:30-10 बजे तक रहती है लाइन आराम से। तो मेरा क्या रहेगा कि अपन लोग, मैं पहले सोचा था कि मैं सिर्फ शरबत बतवाऊंगा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा बजट को थोड़ा सा और खसकाते हैं, थोड़ा सा यानी कि डबल कर देते हैं अपना जो बजट हमने सेट किया है उसको डबल कर देते हैं, और खाने के साथ साथ पीने का भी देंगे। तो अब शरबत भी होगा, खिचड़ी भी होगा, तो हमारे साथ में खिचड़ी भी कुक बनाएगा। चावल मैंने खिचड़ी का ला लिया, आपको शायद मैंने दिखाया नहीं, मैं छिपा के रखा वहाँ पे। तो चावल मैंने ला लिया है, सब्जी जो लगनी है वो ला ली, दाल लाना बाकी है, तेल लाना बाकी है,
और रूह अफ़ज़ा लाना बाकी है, और जो उसका सर्विंग के लिए दोना पत्तल होता है ना, वो मैंने आज होलसेलर से प्राइस का बात करके आया। कल मैं जाऊंगा जो मैन्युफैक्चरर है उससे बात करूंगा, तो उससे आई थिंक उससे सस्ता पड़ेगा मुझे। तो मैं 1,000 दोना लूंगा, यानी कि जो प्लेट्स होती है 1,000 दोना लूंगा, 1,000 दोना, 1,000 चम्मच, 1,000 ग्लासेस, और उसके बाद अपना रास्ता बनाएंगे जैसा भी है। पूरे पहले उस टारगेट को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर बचे कुचेगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा उसको कि कहाँ पे उसको सेटलमेंट करना है। तो अपना मैं बता रहा था कि अपने को ना अभी सेक्टर 9 मंदिर में भंडारा करवाना है, और उसका मैंने कैसे कैसे प्लान किया वो बता रहा हूँ कि अपना सारी चीज़ें रेडी हो गई, अपने को सामने एक बेंच लगाना है, फिर उसके बाद पूरे दोने को एक साथ रखना है, और फिर उसके बाद उसमें अपन लोग सर्व करते जाएंगे, मतलब डाल डाल के रखते जाएंगे और लोगों को देते जाएंगे। और उसके बाद उस सेटअप सामने इतना सेटअप रहेगा, पीछे एक स्पीकर, मैंने सागर बे से बात कर लिया, सागर बे का एक पोर्टेबल स्पीकर है, तो पीछे एक स्पीकर लगाएंगे जिसमें अपना गाना बजेगा, यानी कि वही हनुमान जी का 40 और जो भी जितने भी भजन वजन है वो हम लोग पीछे लगा देंगे, जिसमें बीच में हम लोग जय श्री राम के नारे भी लगवाएंगे, माइक रहेगा क्योंकि उसमें, तो बीच में जय श्री राम के नारे भी लगवाएंगे सबसे, सब भक्त लोग जो भी हमारे खिचड़ी खाएंगे, रसना खाएंगे, रसना पियेंगे। तो और फिर उसके बाद एक तो मैंने बैनर भी प्रिंट कराने का सोचा है, क्योंकि बैनर प्रिंट कराएंगे उस पे चैनल का नाम रहेगा, और उसके नीचे लिखा, सोच रहा हूँ लिखवा दो कि यूट्यूब के इनकम से भंडारा, लेकिन देखा जाएगा। तो मैंने अभी इतना ही बस सोचा है कि बैनर पे चैनल का नाम रहेगा अपना, और नीचे सब्सक्राइब लिखा रहेगा। तो उसके बाद अपना क्या रहेगा, सब्सक्राइब भी मतलब बाद में, सिर्फ चैनल का नाम पहले सोचा हूँ मैं कि चैनल का नाम रहेगा, और वो अपने जो सेटअप सामने बेंच रहेगा, बेंच के पीछे रहेगा, जिससे क्या है कि मुझे भी लोकल ऑडियंस में, मतलब मेरे को भी लोकल ऑडियंस मिलेगी, जो भी मेरे हमारे यहाँ के हैं लोग, वो लोग देखेंगे वहाँ पे तो मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे बेनिफिशियल है मेरे लिए भी, और अच्छा रहेगा कि अपने को भी रीच मिलेगी थोड़ी सी, और अगर लोकल ऑडियंस की रीच मिलेगी, लोकल ऑडियंस के व्यूज़ आएंगे, तो मुझे स्पॉन्सर आना चालू होगा, लोकल जो स्पॉन्सर्स होते हैं, लोकल एरिया से स्पॉन्सर आना चालू हो जाएगा, लोकल एरिया में से अपने को अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो अपना रेवेन्यू फिर बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद रेवेन्यू को वापस से, जैसे फर्स्ट टाइम $500 आए थे, वैसे ही डॉलर अपना जो भी है फिर से बनेगा, तो फिर से कराएंगे भंडारा अपने को, जैसे जैसे इसमें बनते जाएगा तो वैसे वैसे धीरे धीरे करके अपन बढ़ाते जाएंगे, कभी भंडारा कभी मंदिर ही बनवा देंगे किसी दिन। तो अभी ऐसा ही कुछ प्लान है, अब बाकी इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। आपको 17 तारीख को, जो भी मेरे लोकल ऑडियंस देख रहे हैं, आप सबको 17 तारीख को सेक्टर 9 हनुमान मंदिर आना है, क्योंकि वहाँ पे 4 बजे से मेरा भंडारा चालू होगा, हम लोग 4 बजे से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे, 4 बजे से जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक करेंगे। तो आई होप जो भी मेरे लोकल ऑडियंस है वो लोग आना वहाँ पे, मिलना मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मुझे इतने लोग देखते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा इनिशिएटिव उठाया हूँ मैंने, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। तो चलो अब बाकी देखते हैं 17 तारीख को, यानी कि अभी मैं प्लानिंग चली रही है मेरी, मेरे पास कार्ड्स पड़े हैं बहुत सारे जगह के कि आप हमारे यहाँ से खरीद लेना माल, आप हमारे यहाँ से खरीद लेना, जहाँ मुझे सही रेट पड़ेगा मैं वहीं से लूँगा। तो चलो गाइस इस वीडियो का आप एंड करते हैं, ऐसा ही कुछ प्लान है तो आप लोग बताना कि प्लान कैसा लगा और कौन कौन आएगा वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, और इसको शेयर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।